करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु अभी समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम सबको पहले दिन जमा किया है कि हम तुम्हारा वचन को ध्यान करने के लिए, सीखने के लिए, कि अच्छी तरह तुम्हारे सेवा में ध्यान लगाने के लिए। अपनी भाषा में हम आज शुरू किया है प्रभु, पवित्र आत्मा के सहाय से हमारे जीवन को आज तुम परखना है और तुम्हारा सामर्थ्य से हमको स्पष्ट करना है, हमारा मन को और दिल को प्रभु तुम्हारे अधीन में रखना है, जो इंटरनेट को अधीन में रखना है, जो सब भाई बहन लोग जो अच्छी तरह कनेक्शन लगाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए प्रभु तुम सहाय करना है। इस समय हमारे भी खुशित हो पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग तुम्हारा वचन सीखने के लिए, समझने के लिए हमको प्रभु ज्ञान देना है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ब्रदर खेलदू ने आपको आवाज सुन रहे है? He's not getting the signal from you. You are supposed to start the meeting. So we will start with one common song. Paramapita ki hum stuti gaaye. Yes. वही है जो बचाता हमें सारे पापों को, घर तक्षमा सारे रोगों को, घर तक्षमा परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर भक्ति की चट्टान को जय ललकार। गीत गाना पहले टेंशन ले, गीत गाने ब्रदर आवाज ये तो है मैदर टेल दिन है गीत गाने का हम सबको इकट्ठा किया इसलिए कि हम सब मिलके उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। गाओ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, इस समय में हम उसके वचन को सुन सके और उसके पवित्र वचन की और ध्यान आए। ये मेरे सब बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। जो बहन और जो भाई ज्वाइन होना चाहती है उनको भी प्रभु ज्वाइन करने की मदद करे, इसलिए हम सब मिलके प्रार्थना करें। तो आओ इस समय में हम गीत गाकर
प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करें हम, ये गीत को गाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओ जय जयकार, जय जयकार, संपत से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता आकाश महिमा बचाए हस्तकला को दिखाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही प्रचार है बीमारी कहे गरीबी कहे सब संकट से सब कष्ट से हो जाएगा और ये मूल्य हमें दिया, हम सब मिल के परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करते रहना है। दाऊद कहता है कि आओ हम सब मिल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसका जय जयकार करें, हर्ष से गीत गात और उसके आंगन में प्रवेश करें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा करेंगे। ब्रदर कितना गीत गाना चाहिए और क्या? और एक गीत गाइए। हेलो, और एक गीत गाना, और एक गीत गाएंगे। मराठी गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, गीत गाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद
बड़े छोटे बच्चे देखिए गाने गा रहे महाराष्ट्र धन्यवाद हो। अभी वंशी प्रार्थना करेगा, उसके बाद हम वचन ध्यान करेंगे। हम ईश्वर के पिता समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तुम्हारी स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हो, और इस शान के सुंदर अवसर में प्रभु अपने भाइयों बहनों को जमा किया है, और आज प्रभु एक नया दिन हमें दिया है कि हम तुम्हारी स्तुति गान कर सके, तुम्हारे वचनों को ध्यान कर सके, और पिता परमेश्वर आत्मा आत्मिक जीवन में प्रभु इस समय हरेक को स्पर्श कर लेना, हमारे दिलों को हमारे हृदयों को तैयार कर देना। पिता परमेश्वर इस समय हम ठीक रीति से बैठकर प्रभु आपके वचनों पर ध्यान कर सकेंगे, और तुम्हारे वचन में जो सत्य है वो समझने के लिए हरेक को प्रभु स्पर्श कर लेना, ताकि तुम्हारा वचन प्रभु अपने जीवन में कार्य करने के लिए, और हरेक के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने के लिए। और इस शाम के समय में प्रभु आज ये जो हिंदी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो शुरुआत किया है प्रभु, आपके पवित्र नाम से आरम्भ करते हैं। पिता परमेश्वर भाइयों बहनों को प्रभु तुम्हारे हाथ में हम समर्पित करते हैं, ब्रदर रोथनील के लिए और ब्रदर तेलदुने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा प्रभु तुम्हारे लोगों को आत्मिक भोजन मिलने के लिए, ताकि प्रभु ये भोजन खाकर हम तृप्त हो जाए, और आत्मिक जीवन में प्रभु और भी ऊंचे स्थानों में हमको उठा लेना। और इस शाम के समय में प्रभु जिन भाइयों बहनों को आपने चुना है और तुम्हारे लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु उनको आशीष दे देना, ताकि हम हर एक जन प्रभु सिद्ध हो सके, और जो जो बातें आपने हमको सिखाए हम दूसरों को सिखाने के लिए योग्य बन सके। समय पिता परमेश्वर भाइयों बहनों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। अभी मैं कई स्लाइड्स मैं दिखाऊंगा हिंदी में, जो पहले स्वागत करने के बारे में, कार्यक्रम को परिचय करने के बारे में, उसके बाद एक सब्जेक्ट ऊपर इंट्रोडक्शन जो परिचय करने के बारे में कई समय हम देखेंगे। जो हम जो हिंदी बात कर रहे हैं ये स्पोकन हिंदी मतलब साधारण हम हर दिन बात करते हैं वैसे, कि लोग समझने के लिए ये जरूरत है। और बिब्लिकल हिंदी जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो हिंदी में हम लोग हम सिखाना चाहते हैं। सबको स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये जो स्लाइड्स में दिखाता हूँ आप लोग देख सकते हैं, और आपका मोबाइल फोन में जो ऐसा एक्सटेंड कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, तब स्लाइड को आप बराबर बड़ा देख सकता है, नहीं तो आपको छोटा दिखेगा मोबाइल फोन में।
तो आपका जो हाथ से उसको बड़ा करना है तब बड़ा दिखेगा। ओके, आप लोगों का माइक म्यूट करना है तब डिस्टर्ब नहीं होगा दूसरों को। शुभारंभ के बारे में, शुभारंभ बाइबल व्यवहारिक प्रशिक्षण केंद्र हिंदी में, व्यवहारिक प्रशिक्षण मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग बाइबल कॉलेज में होता है, अलग अलग जगह में होता है, वो एकेडमिक ट्रेनिंग है। जो ज्ञान के बारे में संपादन करने का वो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण। इधर हम लोग व्यवहारिक प्रशिक्षण कहते हैं, मतलब जो हमारा जीवन में लागू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल की दृष्टि से सही है और मसीह केंद्रित और व्यवहारिक रूप में रूप से प्रामाणिक प्रासंगिक है और गतिशील रूप से एक गुणा करना, जो बढ़ाने वाला। ये जो ज्ञान जो हम लोग तुमको देना चाहते हैं, ये हमारा जीवन में लागू कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या क्या बताने वाला है, ये मैं इंट्रोड्यूस करना परिचय करना चाहता हूँ। जो आज हम लोग शुरू कर रहे, प्रभु की इच्छा हो तो हर मंगलवार 7:30 बजे हम लोग चलाना चाहते हैं, यही जो मीटिंग आई डी में, ये पासपोर्ट में। Okay. यो भाई खेलतू ने जो वड़ाला में मुंबई में रहते हैं, जो इच्छा दिखाया पहले कई दिन पहले कि हिंदी में ट्रेनिंग होना जरूरत है, कि हम लोग इंग्लिश में चलाते आया है तो हिंदी में भी हम चलाना चाहे करके सलाह दिया था। तब मुझे योचना आया, हम प्रार्थना किया है, और जो मंडली का सभा मंगलवार होता था वो हम लोग बुधवार को बदल किया और मंगलवार प्लान किया, क्योंकि भाई तेलदू ने जो मंगलवार फ्री रहेगा और दूसरों को जमा करेगा, वही सब उद्देश्य से हम लोग मंगलवार प्लान किया है। जो भाई तेलदू ने का इच्छा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और जो सेवा कर रहे वडाला मुंबई अलग अलग जगह में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो ये हिंदी बाइबल स्टडी जो लोगों को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में कई लोगों को इंग्लिश बोलने को नहीं आता, इंग्लिश समझते हैं लेकिन लोग बोलने को नहीं आता है, और अच्छी तरफ बाइबिल का जो अभ्यास करने को नहीं होते हैं, इसलिए हम हिंदी में सिखाना बहुत जरूरत है। तो हम लोग इसमें क्या, हम लोग ये स्वागत और परिचय में हम देखते हैं कि विषय और सत्र में हम देखते हैं बाइबिल की सही व्याख्या कैसा करें, पवित्र शास्त्र को हम कैसे अच्छी तरह पढ़ना सीखना और लोगों को सिखाना, वो कैसे हम करना है, इसको इंग्लिश में हर्मनिटिक्स बोलते हैं, और संदेश कैसे तैयार करें और प्रचार करें, इसको इंग्लिश में होमिलेटिक्स बोलते हैं, कि कैसा हम प्रभु का वचन को हम तैयार करना, लोगों को प्रचार करना, कि अलग अलग समय पर मंडली में हो या घर का मीटिंग में हो या बाहर वचन प्रचार सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम कैसे तैयार करना संदेश को और कैसा प्रचार करना, ये होमिलेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। चला बनाने वाली कलीसिया कैसे शुरू करें, ये जो को अलग अलग मंडली है लेकिन जो कलीसिया बनाने वाले, जो चला बनाने वाले मतलब यीशु मसीह का शिष्य बनाने वाले, वैसा मंडली जो मल्टीप्लाई होते हैं, जो बढ़ते जाते हैं और दूसरों को भी शिष्य बनाते हैं, वैसा मंडली का हम कैसा शुरू करना, तो इसमें हम शिष्य बनाने के बारे में हम सिखाना चाहते हैं। लोगों को उनकी समस्याओं में परामर्श कैसे दे, ये बिब्लिकल काउंसलिंग, ये सब्जेक्ट है बिब्लिकल काउंसलिंग, लोगों को आम समस्याओं में कैसा परामर्श देना। देखो प्रचार करना अलग है, कोई लोग कोई समस्या बताते हैं तब तुरंत हम लोग लोगों को प्रचार करना चाहते हैं, तो पश्चाताप करो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, लेकिन वो सब लोगों को मालूम है, तो लोगों को समस्या के लिए कैसा हम सलाह देना है, काउंसलिंग जो अलग बात है, प्रीचिंग अलग है। आजकल बहुत लोग प्रीचर्स है, प्रचार करने वाला, लेकिन काउंसलर्स बहुत कम है। तो ये बातों के बारे में हम बताना चाहते हैं कि कई साल पहले मुंबई में हम लोग वर्कशॉप चलाया कि लीडर्स के लिए
बिब्लिकल काउंसलिंग के बारे में हम वर्कशॉप चलाएंगे, इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरत है सबको। और भी कई उपयोगी व्यवहारिक सत्य तो और कई सत्यों को भी हम लोग बताना चाहते हैं प्रभु की इच्छा हो तो। तो प्रशिक्षण क्यों, ट्रेनिंग क्यों चाहिए, उद्देश्य और योजना की ट्रेनिंग का जरूरत क्या है। कोई लोग कई लोग कहते कि यीशु मसीह क्या ट्रेनिंग दिया है, क्या बाइबल कॉलेज लगाया है, वैसा वैसा बात करते हैं। हम लोग बाइबल हमारे पास, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सिखाते हैं, और हमको क्या ट्रेनिंग जरूरत है। तो प्रशिक्षण क्यों, ट्रेनिंग का क्या जरूरत है। प्रभु वचन में देखते हैं मार्कुस 3:14 वचन में, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वहां उन्हें भेजे कि प्रचार करें। प्रभु कई लोगों को नियुक्त किया, चुन लिया, ये प्रेरित लोगों को, 12 प्रेरित लोगों को, वो लोग प्रभु के साथ साथ रहे। प्रभु के साथ रहने के लिए क्यों, प्रभु के साथ रहना, प्रभु लोगों को की प्रशिक्षण दिया, प्रभु लोगों को ट्रेनिंग दिया, प्रभु लोगों को सिखाया 3.5 साल और उन्हें भेजे प्रचार करने के लिए। देखो प्रभु के साथ रहने से प्रभु लोगों को सिखाया, ये पहले जरूरत है। हम जाके पहले प्रचार करने के पहले, आप दूसरा तिमोथी 2:2 वचन में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तिमोथी से कहते कि जो बातों को मुझसे तुम सुना है ये तुम दूसरों को भी सौंप दे कि वो लोग भी दूसरों को सिखाना है। ये जो को फर्स्ट ऑफ ऑल तिमोथी को ट्रेनिंग दिया है, उसको सिखाया है, और जो बात तिमोथी ने सुना है फर्स्ट ऑफ ऑल से वो बातों को दूसरों को सौंप दे, ऐसा अपने पॉलोस ने कहा था। तो ये सीखने का बात है और दूसरों को सिखाने का बात है, ये ट्रेनिंग का फायदा है। और दूसरा तिमोथी 2:15 वचन में हम देखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करें, एक ऐसा काम कर्मकार जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना। एक पेस्टपाल तिमोथी से कहते कि तुम ऐसा परमेश्वर का वचन को तुम सीखना है कि तुम ऐसा ध्यान करना है कि जो ऐसा कर्मकार जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब तुम अच्छी तरह सिखा सकते कि तुम लज्जित होना जरूरत है, कि तुम निपुण होने वाला है, और सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना डिवाइडिंग। तो विभाजित करने के बारे में कैसा प्रभु को वचन को हम लोग विभाजित करके लोगों को सिखाना, ये बहुत ये ट्रेनिंग का उद्देश्य है, ये प्रशिक्षण का उद्देश्य है। देखो ये ऐसा सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं आते हैं, देखो ऐसा बाइबल पढ़ने से नहीं आते हैं। तुम सिर्फ चावल लेके पानी में डालने से खाना तैयार नहीं होते हैं, उसके बारे में तुम सीखना जरूरत है, कैसा पकाना है, कितना गर्म करना है, कितना पानी डालना है, ये सब तुम सीखना जरूरत है, तब तुमको कैसा अच्छी तरह चावल पकाना मालूम होता है। तो प्रभु का सेवा में, प्रभु का वचन में ऐसा ही है। तो हम लोग अच्छी तरह सीखना जरूरत है प्रभु का वचन को कि सही ढंग से विभाजित कर सकते हैं, ये जरूरत है। देखो ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उद्देश्य है और प्रयोजन ये है कि हम अच्छी तरह सीखने से हम दूसरों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। देखो ये सुपरफिशियली जो ऊपर ऊपर बताने वाला बहुत लोग है, ये देखो ऊपर बताने वाला बहुत लोग है, ये क्वालिटी का बात है। देखो मुंबई में हम रास्ते पर बहुत होटल्स देखते हैं, रेस्टोरेंट्स देखते हैं, ऐसा और क्वालिटी रेस्टोरेंट्स भी अलग है। इसी तो एक क्वालिटी है, मतलब तो अच्छी तरह सीखना है, अच्छी तरह सिखाना है, ये ट्रेनिंग के द्वारा हो सकते हैं। इसी और विषय और सत्र, तो हम लोग क्या सिखाना चाहते हैं। देखो शिष्य बनाने के बारे में, डिसाइपल मेकिंग या समलैंगिकता, समलैंगिकता मतलब होमिलेटिक्स, कैसे
कि संदेश को तैयार करना प्रचार करना है। तो ये शब्द जो हिंदी में है हम लोग पहले नहीं सुना है, ये तो इंग्लिश में हम सुना ज्यादा होमिलेटिक्स करके है ना, ये तो हिंदी का शब्द जो फर्क पड़ते हैं। अभी शास्त्रार्थ मीमांसा मतलब हेमनेटिक्स कि कैसा प्रभु क्वेश्चन को हम विभाजित करना है, कैसा प्रभु क्वेश्चन को हम समझना है, ये है। और सलाह देना बिब्लिकल काउंसलिंग और बिब्लिकल लीडरशिप, बाइबल का नेतृत्व, हम लोग ये कई सब्जेक्ट्स को हम ध्यान में रखा है। बाद में आगे और कुछ सीखना है लोग इच्छा दिखाते हम वो सिखाने के लिए होता है। और शिक्षक जो मैं जो सिखाता हूँ तो अभी कम से कम 30 साल के ऊपर मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ मुंबई में, तो ये सब विषयों के ऊपर हम लोग लोगों को सिखाए हैं। और सारे देश में हम कॉन्फ्रेंस लगाया है कि मंडली का अध्यक्ष लोगों को, पास्टर लोगों को, सेवक लोगों को, बाइबल कॉलेज लोगों को हम सिखाया है और अलग अलग देश में। इसलिए ये विषय के सत्य को मैं लोग समझने के लिए और लोगों को मैं बयाना चाहता हूँ। और तो बाबूराव तेलुगु ने भी जो वड़ाला में मुंबई में सेवा करते अलग अलग जगह में सेवा कर रहे हैं कि वो भी कई विषय के बारे में लोगों को बताते, उसका अनुभव से कैसा सेवा करते हैं वो भी वो बताएगा कई दिन। और विशेषज्ञ शिक्षक कई एक्सपर्ट टीचर्स को हम बुलाएंगे, कई लोग हिंदी में वचन बता सकते हैं कि वो लोग से हम कई सब्जेक्ट्स को हम सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो और कार्यशाला वो मतलब जो एक एक विषय के बारे में हम ध्यान करने के बारे में उनके बारे में कई प्रश्न हम देने का है, कई प्रश्न देते हैं, वो प्रश्नों को तुम जवाब देना है, वापस तुम भेजना है, ये अत्यंत जरूरत है। तब क्या होता है, एक खुद के लिए परीक्षा है, खुद के लिए तुम कैसा तुम्हारा जीवन को परखने के लिए ये बहुत अच्छा बात होता है। तब ये आत्मिक जीवन में बनने के लिए ये परीक्षा नहीं है, लेकिन तुम खुद के लिए सीखने के लिए तुम इच्छा दिखाना और आगे और कुछ परीक्षाएं तो कुछ प्रश्न आए तो तुम पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। जो मेरा नंबर है ऊपर और नीचे जो भाई तेलजुने का नंबर है, व्हाट्सएप में तुम कुछ प्रश्न आए तुम भेज सकते हैं, उसके लिए हम जवाब भी देने के लिए होता है। प्रशिक्षुओं के लिए टिप्स है तो कम से कम 5-10 मिनट पहले जान होना है मीटिंग में, तब तुम बराबर एडजस्ट करने के लिए होता है। देखो कई लोग लेट जॉइन होता है, उसके बाद माइक एक सब एडजस्ट करने के लिए तो 5-10 मिनट वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग मीटिंग 7:20 को हम शुरू करने का है, मतलब तब ज्वाइन हुआ तब 5-10 मिनट तो सब एडजस्ट करके रेडी हो सकता है, सब 7:30 हम शार्प हम मीटिंग शुरू करेंगे। तो ये भी बहुत जरूरत है, सिस्टम में आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इज इट। और तो कभी शामिल होने का समय आपका माइक को म्यूट करना है, क्योंकि घर में हो आप किधर भी हो वो सब आवाज आते रहते हैं, सब लोग को आवाज सुनना पड़ेगा, इसलिए माइक को कभी ज्वाइन हो रहे तो माइक को म्यूट करना जरूरत है। और कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और बाद में जो मीटिंग होने के बाद जो माइक को अनम्यूट करना है, सबको नमस्कार बोलने के लिए होता है, कुछ प्रश्न आए तो बोलने के लिए होता है, सबको ग्रीटिंग देने के लिए होता है। और आपका फोन नाम है, उसमें आपका नाम और किधर से आ रहे वो प्लेस नाम और जगह के बारे में उधर टाइप करना है। आपका फोन नाम है उधर, कई बार गैलेक्सी फोन नंबर नाम आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तब मालूम नहीं होता है कौन है। तो फोन का नाम का जगह में आपका नाम लिखा है तब मालूम होता है कौन है, और जगह का नाम तब कौन सा जगह से आप जमा शामिल हो रहे है ना, ये तो अच्छा होता है, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए होता है। और जो सिखाते हैं उनको पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, तब एक नोटबुक पेपर लिखना है, तब जो पॉइंट्स दिखाते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, और वचन जो रेफरेंस दिखाते हैं वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, तब वो बाद में पढ़ने के लिए होता है। किसान वचनों का पढ़ने के लिए नहीं होता है, ज्यादा टाइम होता है, इसलिए कई वचन को आप नोट डाउन किया तब घर में बाद में पढ़ने के लिए होता है। और
अपनी कर्मशाले के प्रश्न को पूरा करें। तो जो वर्कशीट देते हैं जो एक सेशन के बाद वर्कशीट होता है प्रश्न जो वो जवाब देने से आपको आगे बढ़ने के लिए होता है। और जो उद्धार के बारे में अनुभव कई लोग देना चाहते हैं गवाही तुम दे सकते हैं 5-10 मिनट मीटिंग में आने वाला दिन में। वो पहले बताना है कौन गवाही देना चाहते हैं या कौन गीत गाना चाहते हैं, वो लोगों के लिए चांस मिलने वाला है। ओके सीखना और बनना कभी बंद ना करे। दूसरा पत्र 3:18 में लिखा है परंतु अनुग्रह में और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसके लिए महिमा आज और हमेशा दोनों के लिए ही होना है। तथास्तु आमेन। तो पत्रस ने कहते कि आगे बढ़ना कि प्रभु का दया में और वचन का ज्ञान में हम आगे बढ़ना जरूरत है कहते कि इसलिए सीखना और आगे बढ़ना कभी हम बंद नहीं करना पड़ता है। कि कई बार लोग सोचते कि बाइबल कॉलेज आ गया हो गया डिग्री मिला अभी सीखना जरूरत नहीं है ऐसा सब कुछ मालूम है सोचते हैं। इसे कोई लोग सेवा में आते हैं और हम सबको मालूम है सोचते हैं लेकिन हम लोग हमेशा सीखना पड़ता है। मैं कभी यीशु मसीह को स्वीकार किया जीवन में उस समय से मैं प्रभु वचन बताते आ रहा हूँ सीखते आ रहा हूँ आज भी रोज रोज मैं सीखते आ रहा हूँ। प्रभु जो मुझे सिखाते हैं जो प्रभु मुझे सिखाते हैं वो बातों को मैं दूसरों को भी सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही हम कभी सीखते हैं प्रभु से और हम आगे बढ़ने के लिए होता है। तो क्या हम लोग सीखना और बढ़ना कभी बंद ना करे। धन्यवाद। तो हम देखते कि कोई कुछ शिक्षकों द्वारा कुछ विषयों पर पुस्तकों की सिफारिश की जा सकती है। कुछ पुस्तकों को हम लोग कई पुस्तक भी देना चाहते बाद में जो रेगुलर अटेंड होते हैं वो लोगों के लिए मैं कई पुस्तक फ्री भेजना चाहता हूँ। कई हार्ड कॉपीज बनाया है कई पुस्तक मैं हिंदी इंग्लिश में बना हिंदी मराठी में बनाया है ये पुस्तक मैं देना चाहता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल इधर एक पे गए खरे या झूठी उपदेश फरक ना कैसा फरक सकते है खरे और झूठी उपदेश। देखो ऐसा पुस्तक है हिंदी मराठी में और जो ये पुस्तकों को मैं भेजना चाहता हूँ मूलभूत सत्या छपाया दो फाउंडेशन बेसिक फाउंडेशन ट्रुथ इसमें 21 पार्ट है हिंदी में भी है मराठी में हिंदी में भी है। तो हिंदी मराठी में ऐसा पुस्तक है मैं आप लोगों को भेजना चाहता हूँ फ्री। तो जो रेगुलर अटेंड होते हैं कि वचन सुनने के लिए वो लोगों के लिए हम ये कई पुस्तक हम भेजना चाहते हैं। ये आज का जो कार्यक्रम के बारे में परिचय है। ओके तो मैं आगे आप लोगों के लिए एक आज पहले दिन एक विषय पर कई स्लाइड्स मैं दिखाना चाहता हूँ। यस 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 ओके थैंक यू। आज जो सब्जेक्ट का स्लाइड्स मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ ये है शास्त्रार्थ मीमांसा मतलब हार्मोनिटिक्स के बारे में हम लोग कई स्लाइड्स मैं दिखाना चाहता हूँ। थॉट का अवलोकन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट से कि होमिलिटिक्स क्या है बाइबल की व्याख्या क्यों करे बाइबल की सही व्याख्या कैसा करे एक पाठ का क्या अर्थ है व्याख्या के कुछ सामान्य सिद्धांत क्या है भाई पुराने नियम की व्याख्या कैसे करे मैं नया नियम की व्याख्या कैसे करे ये इनके बारे में हम लोग ज्ञान करने वाला है आज और अगले हफ्ता में भी। एक दिन में खत्म नहीं हो सकता ये सब्जेक्ट तो अगले हफ्ता में भी थोड़ा बताएंगे आज थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये शास्त्रार्थ मीमांसा ये नाम ये शब्द कोई नहीं सुना होगा लेकिन जो हेमनिटिक्स इंग्लिश में है मतलब पवित्र शास्त्र को हम अच्छी तरह कैसे समझ सकते हैं ये बात आप लोग मन में रखना है। देखो मैं समझने का शब्द का उपयोग करना चाहता हूँ। ओके आप लोग इसमें देखो आप इस तस्वीर में क्या देखते हैं
आप लोग क्या देख रहे हैं इसमें, एक पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप बता सकते हैं, आपका माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं आप लोग क्या देख रही है इसमें, एक पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप लोग? एक दूसरे में प्रेम देख रहे हैं। एक आदमी गिटार बजा रहा है और दूसरा उसको वाह वाह कह रहा है, और ओल्ड कपल है जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक लेडी जो है वो विंडो में से देख रही है। दूसरे लोग और कुछ देख रहे हैं? और एक बुड्ढा आदमी, दोनों को देख रहे हैं ना सामने सामने, बराबर है? यस। और दूसरे लोग क्या देख रहे हैं? एक आदमी गिटार बजाते बैठा है एक साइड में, कोई देख रहा है? यस। और ये साइड में दूसरा औरत तो सिर पर कुछ रख के बैठा है। यस। और जो आदमी गिटार बजाते हैं उधर एक औरत उधर दरवाजे के पास खड़ा है। यस। ओके। यस। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग? आप इस तस्वीर में क्या देखते हैं? एक को देख रहे हैं या दो लोगों को देख रहे हैं? दो लोगों को देख रहे हैं। या दूसरे लोग? दूसरे लोग बताइए। यस। या कोई लोग गुड्डी को देखते हैं, राइट? यस। कोई लोग जवानी को देख रहे हैं, राइट? यस। यंग गर्ल और ओल्ड लेडी, राइट? वो देख रहे हैं ना? हाँ। ये पिक्चर को कहते हैं कि माय वाइफ और माय मदर इन लॉ कहते हैं पिक्चर। ये पिक्चर का नाम है माय वाइफ और माय मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, ओके। ओके। और एक है, ये क्या दिखाते हैं हमको? एक कहते कि अच्छा नंबर है, दूसरा साइड में आदमी कहते कि नौ नंबर है। नाइन है, यस। कौन सत्य है? और इधर है एक आदमी को ये चार दिखते हैं, लेफ्ट साइड आदमी को, राइट साइड आदमी को तीन दिखते हैं। तीन दिखते हैं, यस। कौन सत्य है दोनों में? वो तीन पिक्चर में दिखाया, इसमें क्या हम देखते हैं? मतलब हमारा जो मन के अनुसार होते हैं और साइकोलॉजी के अनुसार होता है कि तुम्हारे उम्र से भी होता है और तुम्हारा मेंटल सेटअप के अनुसार होता है, तुम्हारे कल्चर के अनुसार होता है, तुम्हारे कौन सा संस्कृति आया है वैसा तुम देखते हैं। जो पिक्चर देख रहे हैं वो तुम्हारा बैकग्राउंड के अनुसार वो पिक्चर में तुमको दिखते हैं, इसलिए एक एक को अलग अलग दिख रहे हैं। एक एक पिक्चर लोग अलग अलग रीति से देख रहे हैं, ओके ना? और दूसरे एक मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, आई लव यू लड़की से लड़का, आई लव यू एक युवक अपनी मोटर साइकिल पर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मनुष्य के लिए यीशु। इसका क्या मतलब है? देखो हम एक ही शब्द देख रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके चार बार हम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या समझते हैं? लेकिन एक चार तरफ के लोग बात कर रहे हो, तो सिर्फ तुम देखा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या समझने वाला है? लेकिन वो कौन कहते हैं, किसके साथ कहते हैं, ये हम समझना जरूरत है, बराबर है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोग वही शब्द कहते हैं, वही बात बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन है, किसके साथ बोल रहे हैं, ये हम समझना जरूरत है। देखो इन्हें समझने के लिए हमें संदर्भ जानना होगा, कौन किससे और क्यों बोल रहा है। तो ये समझने के लिए हम संदर्भ जानना होगा, कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट है ना, किसके साथ बात करते हैं, क्यों बात कर रहे हैं।
प्रश्न है वाक्य का क्या अर्थ है, वाक्य का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस और वर्ड्स। उत्तर है एक वाक्य का अर्थ है कि लेखक का क्या मतलब है, जो लेखक ने लिखा है जो वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो लिखा है उसका अर्थ वही होते हैं, लेखक ने जो लिखा है वही अर्थ उसको होते हैं, वही मीनिंग उसको आते हैं, ये हम समझना पड़ता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल समझने के लिए कि एक वाक्य का अर्थ है कि लेखक का क्या मतलब है, जो लिखा है उसको मालूम है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, पढ़ने वालों को नहीं, पढ़ने वाला उसके अनुसार देखा है वो अलग देखने वाला है, लेकिन जो लिखा है वो कैसा लिखा है, क्यों लिखा है उसको मालूम है। okay? ये हम समझना बहुत जरूरत है। तो एक एग्जाम्पल इधर हम देखते हैं व्यक्तिगत पत्र चित्र चित्रण, ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जो पत्र लिखते हैं तुम किसको भी इसके बारे में हम देखते हैं कि यदि आपने पत्र लिखा है तो इसका क्या अर्थ है, आपकी व्याख्या क्या है, या प्राप्तकर्ता इसकी व्याख्या कैसा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लिखा है उसके बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं, जो पढ़ते हैं उसको नहीं मालूम होता है, वो उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। कोई लोग तो माइक से आवाज आ रहे हैं, आप लोग म्यूट करना है माइक को, कोई लोग तो माइक से आवाज आ रहे हैं म्यूट करना है, मैं सबको इधर नहीं देख रहा हूँ, कोई लोग तो माइक से आवाज आ रही है म्यूट करना है। सर ये रल में C15 से आवाज आ रहा है। ओके तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तिगत पत्र में क्या चित्रण में क्या है, यदि आपने पत्र लिखा है तो उसका क्या अर्थ है, आपकी व्याख्या क्या है, या प्राप्तकर्ता इसकी व्याख्या कैसा करते हैं, इसका मतलब कि जो पढ़ने वाला उसके बारे में कैसा बता सकते हैं, या जो लिखा है उसको मालूम है क्यों लिखा है, कैसा लिखा है, क्या लिखा है। ओके हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमारे पास कैसा आया है, ये चित्र में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमारे पास कैसा है। पहले परमेश्वर ने क्या किया है, वो रहस्य दो घाटन बोलता है, रहस्य उद्घाटन मतलब रेवलेशन, परमेश्वर ने उसका वचन को प्रकट किया है, वो उसे प्रेरणा आया है, इंस्पायरेशन, जो कई लोगों को ये प्रेरणा दिया है उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, वो लोग स्थानांतरण, वो लोग ट्रांसमिशन किया है, वो जो लिखा है वो लोगों को जो परमेश्वर का वचन वो लोग लिखा है स्थानांतरण, और कैनोनिसिटी मतलब जो वचन को लिखा है वो वचन परमेश्वर का वचन है करके कैसा मालूम, वो परीक्षण किया है, वो फरका गया है, उसको कैनोनिसिटी बोलता है। ओके उसके बाद शाब्दिका आलोचना मतलब इसको टेक्सुअल क्रिटिसिज्म बोलता है, ये जो लोग किया काम है, ये जो को मॉडर्न मैन्स वर्क, जो आधुनिक लोग किया काम है, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म मतलब जो कुछ वो लोग कॉपी किया है पुराने काल में वो सबको फर्क है, वो लोग परीक्षा किया है ये कितना सत्य है, इसमें कौन सा सत्य है, ये शब्द शाब्दिक आलोचना बोलता है। उसके बाद वो ट्रांसलेशन किया गया है, अनुवाद किया गया है, जो अनुवाद करने के बाद उसको व्याख्या किया गया है, इंटरप्रिटेशन किया है, और उसके बाद रोशनी हुआ है, इल्यूमिनेशन। ओके कि हमारा मन में वो समझने के लिए वो हो गया है, उसके बाद आवेदना हुआ है मतलब हमारे जीवन को लगाने के लिए होता है आखिरी में। इसलिए हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर को जो वचन प्रकट किया गया है रेवोल्यूशन से, और हम लोग आवेदन हमारे जीवन को लागू करने तक कितना स्टेज है हम इधर देख रहे हैं। देखो परमेश्वर का वचन कैसे एक एक स्टेज से कैसा आ गया है हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये समझना बहुत जरूरत है कि मानव के हाथों से भी आया है, परमेश्वर ने
पुराने काल में प्रकटन किया है कि लोगों को प्रेरणा दिया है, लेकिन उसके बाद लोग हस्तांतरण किया है कैनन सिटी, और उसके बाद अनुवाद वाक्य ये सब लोगों का हाथ में हो गया, लोगों का हाथों से हुआ काम है। ये हम लोग समझना बहुत जरूरत है। ये दूसरा पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ कैसे पवित्र आत्मा ने शुरू से काम करते आया है, परमेश्वर का जो प्रेरणा इधर आया है हर एक पुस्तक में। उसके बाद हम देख रहे कैसे वो पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया है, लोगों को मालूम पड़ा है। उसके बाद को पुराना नियम हिब्रू भाषा में, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है, वो संकलन किया है, प्रिजर्वेशन संकलन किया, सुरक्षित रखा है। उसके बाद वो लोग कॉपी करते गया है ट्रांसमिशन, कि वो पुराना कॉपी सब वो खराब हो जाता है जल्दी। वो लोग जो लिखा है वो जाड़ के पत्रों के ऊपर लिखा है, चमड़ा के ऊपर लिखा है, पत्थर के ऊपर लिखा है, ये सब वो नष्ट हो जाता है पत्र सब, और इसलिए उनको वो लोग प्रिजर्व किया है, वो कॉपी किया दूसरा जगह में, ऐसा कॉपी करते गया बहुत हजार हजार कॉपी, वो सब वो लोग संकलन किया है। उसके बाद इंग्लिश बाइबल आ गया है, उसके बाद अलग अलग भाषा में वो ट्रांसलेशन किया गया है, उसके बाद थियोलॉजी आया, कैसा ये वचन को हम लोग व्याख्या करना है, कैसा हम समझना है, जो लिखा गया है ये वचन को हम कैसा समझना है, ये हार्मोनिटिस को बनाया है ये को, और उसके बाद कैसा हमारे जीवन को लागू करना है, और ये एम्पावरिंग आया, कैसा प्रभु का वचन का हमारे जीवन में लागू करने में हमारे जीवन में वो परिवर्तन आ जाते हैं, सामर्थ आ जाते हैं, परमेश्वर की शक्ति आती है, ये आखिरी में मालूम पड़ा। ये देखो ये सब स्टेप बाय स्टेप कैसा आ गया है, परमेश्वर का वचन हम समझना जरूरत है। ये हम दूसरों को बताने के लिए होता है, जवान लोगों को और दूसरा वंश का हम सिखाने के लिए होता है, परमेश्वर का वचन कैसा आ गया हमारे हाथों में। कि बाइबल एक मानवीय पुस्तक और एक ईश्वरीय पुस्तक दोनों है। अभी जो मैं दिखा है शुरू में परमेश्वर ने प्रेरणा से लोग लिखा गया है, लोग लिखा है, तो इसमें लोग भी है, इसमें परमेश्वर का पुस्तक है और लोगों का हाथों से लिखा गया पुस्तक है, इसलिए ये दोनों है इसमें। इसलिए बाइबल व्याख्या के लिए निहितार्थ मतलब इधर एक इम्प्लीकेशन आते हैं कि परमेश्वर का प्रेरणा है और लोग लिखा है, तो ये हम कैसा समझना है। ये देखो मानव लेखकों के पास एक विशिष्ट ऐतिहासिक दर्शक और संदर्भ और उद्देश्य था, ये बातों को आप लोग समझना पड़ता है। देखो जो लोग लिखा है वो एक विशिष्ट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल और दर्शक कॉन्टेक्स्ट, वो कल्चर संदर्भ कॉन्टेक्स्ट और उद्देश्य पर्पस था। देखो वो लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो लोगों का सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, और उन लोगों का उद्देश्य क्या है लिखा है उस समय, आप लोग समझना पड़ता है। हमारा मन उस समय जाना पड़ता है, हजार हजार साल पहले जो वचन लिखा गया है वो लोगों का उद्देश्य क्या था लिखा लोगों को हम देखते हैं। और मानव लेखकों ने अपनी भाषा जो लेखन विधियों और लेखन शैली और लेखन के साहित्यिक रूप का प्रयोग किया। इसमें क्या समझते हैं हम लोग, जो लिखा है वो लोगों का भाषा में लिखा है, जो हिब्रू भाषा में, ग्रीक भाषा में, अरमाइक भाषा में वो लोग लिखा है, और वो लेखन विधियों उस समय वो लिखने का पद्धति वो लोग उपयोग किया है, लेखन शैली स्टाइल ऑफ राइटिंग और लेखन के साहित्य उस समय का फिलोसफी, उस समय को कैसा लिखना है वो पद्धति वो लोग उपयोग किया है, वो हम देखते हैं कि वो प्रयोग किया है। अभी जो लिखते हैं हम लोग ये अलग है, आजकल संस्कृति, आजकल संदर्भ, आजकल जो चरित्र ये सब अलग है, इसलिए ये हम लोग समझना पड़ता है उस समय कैसा था परिस्थिति, उस समय वो लोगों का कल्चर कैसा था, ये हम लोग समझना पड़ता है। बाइबल का ईश्वरीय लेखत्व इसे इसकी एकता देते हैं, और अंतिम व्याख्या ईश्वर की ओर से है। जो लोग मानव लोग लिखा है लेकिन ये सब
देखो 1500 साल पहला पुस्तक आखिरी पुस्तक पूरा खत्म करने के लिए ओके कम से कम 40-45 लोग लिखा है पवित्र शास्त्र को, तो ये सब एकता में है। वही हम देखते कि ये एकता में परमेश्वर का प्रेरणा है, इसलिए परमेश्वर को पुस्तक हम कहते हैं, इसकी एकता देते हैं और अंतिम व्याख्या ईश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए पवित्र शास्त्र एक है। देखो अलग अलग जगह में वो लोग अलग अलग समय लिखा है, 1500 साल इतना समय में वो लोग कम से कम 40-45 लोग लिखा है, लेकिन ये इसमें एकता आया। कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर इसके ऊपर है, उसका परमेश्वर का प्रेरणा पवित्र आत्मा का काम इसमें है, ये हम समझते हैं। व्याख्या की आवश्यकता, देखो हम पवित्र शास्त्र को क्यों समझना है, मतलब पवित्र शास्त्र को हम लोग क्यों इंटरप्रेट करना है, व्याख्या हम क्यों करना है, इसे पढ़ने से हमको समझ में आएगा, ये हम समझना जरूरत है। देखो लुका शुभ वर्तमान 24 अध्याय 27 वचन में हम पढ़ते हैं, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद् वक्ताओं से कि आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। एक यीशु मसीह इधर ये समय क्या है, यीशु मसीह मांस गांव में जा रहे थे, दो लोग शिष्य लोगों को मिलकर वो लोगों को समझाया, ये हम देखते हैं, वो लोगों को समझा दिया, उन्हें समझा दिया, क्या समझा दिया, जो मोशे से लेकर पुराना नियम में क्या क्या लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में, वो लोगों को समझा दिया। कि वो लोगों को मालूम नहीं, वो लोगों को मालूम था लेकिन वो लोगों को समझाना जरूरत पड़ा, वो लोग नहीं समझा कि यीशु मसीह दुख उठाना, क्रूस पर मरना, बलिदान देना है, वो लोग नहीं समझा, वो लोग पढ़ा है पुराना नियम को, तो यीशु मसीह वो लोगों को उन्हें समझा दिया करके हम देखते हैं ओके। और प्रेतों के काम 8:30-31 वचन में हम पढ़ते हैं, फिलिप्पुस ने उस और दौड़कर उस ओर दौड़कर उसे यशया भविष्यद्वक्ता का की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे कि समझाते भी हैं? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझू। और उसने फिलिप्पुस से विनती की छड़कर मेरे पास बैठ। इस समय हम देखते कि फिलिप्पुस ने उधर जो आदमी है कि जो इक्त देश से वो आया है, इथियोपिया देश से आया है कि जो यरूशलेम मंदिर में आराधना करने के लिए वापस जा रहा था, उस समय उसका रथ के पास जाके पूछा, तुम वचन पढ़ रहे, यशया पुस्तक पढ़ रहे, तुम समझता क्या, क्या पढ़ते हैं, तुम समझ रहे क्या? वो आदमी कहते कि मैं कैसा समझाएगा, कैसा समझेगा, कोई आके मुझे समझाना जरूरत है ना। हाँ देखो इधर समझाना वही बात है, हेरमोनिटिक्स इंटरप्रिटिंग, समबडी टू इंटरप्रिट, कोई भी उसको समझाना है, यही व्याख्या, व्याख्या की आवश्यकता, यही व्याख्या की आवश्यकता है। देखो सिर्फ बाइबल पढ़ने से तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, समझाना जरूरत है, मतलब पवित्र आत्मा हमको समझाते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के लोगों को भी उपयोग करते हैं हमको समझाने के लिए, और हम कैसा समझना है वो हम सीखना जरूरत है। इसलिए हम हमेशा दूसरों के ऊपर ध्यान रखना जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम समझा कैसा प्रभु वचन को हम समझना है, ये प्रिंसिपल्स हम समझने से, ये सत्य को समझने से तुम खुद बाइबल को पढ़ के समझ सकते हैं, ये इसमें है। हम जो बताने वाला आगे वो 7 प्रिंसिपल्स है, 7 पॉइंट्स है कि कैसा प्रभु का वचन को हम समझना, पवित्र शास्त्र को हम समझना, इसको व्याख्या, व्याख्या की आवश्यकता के बारे में हम देखते हैं। तो ये बातों को प्रभु की इच्छा हो तो आगे हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो आज मैं इतना ही बताया कि टाइम हो गया, और तो टाइम हो गया 8:30, तो अगले मंगलवार भी आगे ये अंश के ऊपर आगे 7 पॉइंट है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि कैसे पवित्र शास्त्र को हम व्याख्या करना है, कैसे पवित्र शास्त्र को हम समझना है, कि एक एक क्वेश्चन को हम कैसा समझना है,
क्योंकि आजकल बहुत लोग बाइबल बता रहे कि वो लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो पवित्र शास्त्र को कैसा लिखा गया है, वो कल्चरल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट लोग नहीं समझते हैं। देखो तो आज आप लोगों को मैं दो बातों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग वापस अगले हफ्ता पहले मिलने के पहले ये बातों को आप लोग घर में पढ़ना है कि योहान सुवर्तमान 4 अध्याय में सामरेस जी के बारे में पढ़ते हैं, वो कथा को आप लोग कैसा व्याख्या कर सकते हैं। योहान सुवर्तमान 4 अध्याय में सामरेस जी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो कैसा तुम व्याख्या करने वाला है, कैसा इंटरप्रेट करने वाला है, उसके बारे में क्या बताने वाला है, हाँ तुम वो ध्यान करके बताना है। और दूसरा बात है कि लुक सुवर्तमान में कि अच्छा सामरिया के बारे में, अच्छा सामरिया के बारे में, गुड सामरिटन, अच्छा सामरिया के बारे में हम पढ़ते कथा, उसको कैसा हम समझेगा, हम उसको कैसा समझते हैं और दूसरों को कैसा हम सिखाते हैं, मैं बताऊंगा आगे कैसा हम लोग सुना है उसके बारे में बचपन में, वो बहुत हंसने की बात है कि जो प्रचार करने वाला क्या क्या बताते हैं कि अपना मन में जो है वो सब उसमें डाल देते हैं, जो जो लेखक ने लिखा है वो नहीं पकड़ते हैं, वो नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे मन से जो है वो हम उसमें डाल के लोगों को बताते हैं, वो असत्य है, वो झूठी बात होता है, लोगों को गलती मार्ग में हम जाने के लिए बता रहे हैं। इसलिए ठीक रीति से वचन को विभाजित करना करके पेस्ट पॉल ने तिमोथी से कहा था, तुम ठीक रीति से वचन को विभाजित करना, देखो वैसा हम लोग करना जरूरत है, ठीक रीति से प्रभु वचन को हम सीखना और लोगों को सिखाना जरूरत है। इसलिए ये अंश के ऊपर हम लोग आगे जाएंगे, प्रभु की इच्छा हो तो अगले मंगलवार यही समय 7:30 बजे हम जमा होंगे 10 मिनट पहले ही, तो हम लोग आगे इसके बारे में ध्यान करेंगे कि सब लोगों को धन्यवाद आज हमारे साथ जमा हुआ है। तो जो लोग देखो पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ना शुरू करना पड़ता है, देखो पूरा अध्याय पढ़ना, 2-3 अध्याय पढ़ना जरूरत नहीं है, कई लोग ऐसा है मैं पूरा बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक आदमी ने मुझे पूछा है कि सीनियर आदमी है, वो बोला कि मैं देखो 3 बार बाइबल पढ़ा है और क्या करना है मैं आगे बताओ, बोला मतलब तुम सोचते हो काम खत्म हो गया तुम्हारा आत्मिक जीवन कि 3 बार बाइबल पढ़ा है वो खत्म हो गया, मैं बोला ऐसा नहीं है, कितना बार तुम पढ़ना वो बात नहीं है कि तुम कितना समझ रहे प्रभु का वचन और कितना पालन करते हो, कितना लागू किया है ये प्रभु देखते हैं, तुम कितना कितना बार बाइबल पढ़ा वो बात नहीं है। इसलिए एक एक वचन एक एक शब्द पढ़कर समझना है, वो वचन को पालन करना प्रभु चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में वो आदत को हम शुरू करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ने से भी कोई ये नहीं है लेकिन वो समझना जरूरत है, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या अर्थ है, प्रभु क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन में, हम क्या करना है वचन के बारे में, कैसा हमारे जीवन में लागू करना है, ये हम समझना बहुत जरूरत है। तो प्रभु की इच्छा होता आने वाले दिन में हम लोग और ये बातों के बारे में अच्छा ध्यान करेंगे, सबको धन्यवाद, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, मैं आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच आपने ये बहुमूल्य अवसर निकाला कि हम सबको प्रभु का वचन को सिखाए, तो आज का आपका मीटिंग होता है लेकिन आपने वो दूसरे दिन रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और आज पहला ही मंगलवार है तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा सब लोग जुड़ जाएंगे और प्रभु का वचन को सीखेंगे, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। और मैं आपको सब बहन और भाई को यही बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे ब्रदर ने बोला कि हमारा समय 7:30 बजे का है, तो हम 7:30 के पहले ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि जिसको परमेश्वर का वचन को सुनने का प्यास है वो जरूर ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन पास्टर बोल रहे हैं, ब्रदर बोल रहे हैं ज्वाइन होना पड़ेगा इसलिए होना है, ऐसा है तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर का वचन का हमें प्यास है, तो 7:30 बजे के पहले हमें सब ज्वाइन होना है। मैं भी हमारा कुछ कलीसिया के लोगों को बोला हूँ कि हम समय पे ये मीटिंग पे ज्वाइन होना है, प्रभु का वचन को सीखना है, क्योंकि ये दिन बहुत बुरे हैं और ये दिनों में हमें बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर आपके लिए प्रभु को, और आए हुए मेरे सब बहनों के लिए, सब भाइयों के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये मीटिंग को आपकी प्रार्थना में
उठाए रखे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब भाई और बहन ज्वाइन होने के लिए भी आप प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग आखिर में ब्रदर रफायल को हिंदी में प्रार्थना कर सकते हैं ना? जरूर ब्रदर, जरूर। यस ब्रदर रफायल प्रार्थना करेगा आखिर में? नहीं, मुझे नहीं हो रहा है हिंदी में। चलिए मैं कर देता हूँ, मैं कर हिंदी में करना। ब्रदर पास्टर रोज प्रार्थना करेंगे हिंदी में? यस हम करेंगे, यस आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दया में ईश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए और तमाम बरकत और आशीषों के लिए जो कि आपने हमें हमारे परिवार वालों को दी प्रभु जी, और खासकर इस कोरोना की महामारी में आपने हमें संभाल कर रखा। और प्रभु जी आज हमें मौका दिया कि जूम प्लेटफॉर्म पर आकर ब्रदर एंड्रूज और थनेल के द्वारा प्रभु जी आज हम सब लोग बाइबल स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के उस अच्छे वचनों के लिए जो कि बाइबल के बारे में आज हमने सीखा है। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे हृदय और बुद्धि के दरवाजों को खोल दें ताकि जो कुछ प्रभु जी हमने सीखा है वह हमारे हृदय में बस सके और उस पर हम प्रभु जी चलने वाले हो सके। जितने भी सदस्यों ने प्रभु जी आज ज्वाइन किया, हर एक के साथ हों, हर एक के परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक की मदद और सहायता करें, उनकी रक्षा करें, खासकर इस कोरोना महामारी में प्रभु जी हर एक को इस बीमारी से हम लोगों को बचा कर रखें। और खासकर अपने लीडर, अपने ब्रदर एंड्रूज ऑथोनिल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके एफर्ट्स के लिए, उनके प्रभु के प्यार के लिए भी शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि उनका मन में जो एक बर्डन है आपकी सेवकाई के लिए, आपका वचन दूसरों को पहुंचाने के लिए प्रभु जी, ये निरंतर बातें जो है उनकी प्रभु जी दूसरों तक पहुंच सकें और हम सब लोग प्रभु जी लाभान्वित हो सकें। रात को हम सबको प्रभु जी मीठी नींद देना, सुबह की रोशनी दिखाएं प्रभु जी, और हर एक की मदद और सहायता करें प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। Hallelujah, Deva, thank you, God bless you. Thank you. God bless you. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, praise the Lord. Praise the Lord. Again. Bye. 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 Amen. Praise the Lord.